बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल बेसिक के बारे में है। आपके सामने कुछ सामान मौजूद है जिसमें एक बैटरी, एक एलईडी और एक स्विच, ये तीन चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ और कुछ थ्योरी पे बात करेंगे। पीछे पेपर है, पेंसिल की मदद से कुछ थ्योरी मैं आपके सामने बयान करूँगा। वीडियो को पूरा देखिए, ये मत समझिए कि ये बच्चों वाली वीडियो है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये बच्चों वाली वीडियो है, लेकिन बराए करम इसको पूरा देखिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, ऑटोमोटिव रिपेयर, उसमें आपके बहुत काम आएगा। मेरे दोस्त अलीम, मिस्टर अलीम भाई जो हैं वो ऑटोमोटिव का काम करते हैं, तो ये वीडियो खसूसी तौर पर उनके नाम मैं पेश कर रहा हूँ, उनको मैं डेडिकेट करता हूँ ये वीडियो। तो आप लोग देखिए इसको और इससे फ़ायदा उठाइए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस होगा वो पावर साइड कंट्रोल या पॉजिटिव साइड कंट्रोल, नेगेटिव साइड कंट्रोल और ग्राउंड साइड कंट्रोल, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अहम है आपके लिए, क्योंकि गाड़ियों में तकरीबन आपको इन दो चीज़ों से वास्ता पड़ता है। जब ऑटोमोटिव का आप काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। इंट्रोडक्शन हो गया, अब बात करते हैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल दो किस्म के हैं, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पावर साइड कंट्रोल, पहला जो है वो है पावर साइड कंट्रोल, और पॉजिटिव साइड कंट्रोल। उर्दू में मैंने लिख चुका था, सॉरी टू से, ये आप अंग्रेज़ी में ही सीखिए क्योंकि उर्दू में लिखना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है इसको। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें डिस्कस होगा वो है ग्राउंड साइड कंट्रोल, और नेगेटिव साइड कंट्रोल। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस होंगे। सबसे पहले देख लीजिए सर्किट डायग्राम को। ये आपके पास एक बैटरी है, इस तरह से बैटरी का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर आप ये ले लें और इधर एक स्विच लगा दें और उसके बाद आपका लोड लगाओ, लोड आपका लाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो ग्राउंड साइड पे चला जाए, स्विच यहाँ पॉजिटिव साइड पे मौजूद हो, तो ये कहलाता है पॉजिटिव साइड कंट्रोल। ये फर्स्ट वाला जो कि ये है, ये कहलाता है। और अगर आपके पास एक बैटरी हो इस तरह से, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है, और यहाँ पे आपका लोड लगाओ और आप स्विच को आप नेगेटिव साइड पे लगा लें, ये देखिए नेगेटिव साइड पे स्विच लगा दिया, तो इसको कहते हैं नेगेटिव साइड ग्राउंड साइड कंट्रोल। ये नंबर टू हो गया, नेगेटिव साइड और ग्राउंड साइड कंट्रोल इसको कहते हैं। ये नंबर टू सर्किट हो गया, जो ये है नंबर टू। बात ऐसी है कि बड़ी सिंपल बात है, आप लोगों को इसका पता है कि अगर स्विच यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, लाइट ने रोशन होना है दोनों सूरतों में। लेकिन इस सर्किट में फ़र्क है, इसमें ये वाला जो है ये पॉजिटिव साइड पे कंट्रोल कर रहा है और ये वाला स्विच जो है ये नेगेटिव साइड पे कंट्रोल कर रहा है। सर्किट में फ़र्क है, प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे और उसके बाद फिर एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आगे आएगा, वो भी मैं आपको इसमें तफसील दूंगा कि कैसे इसको काम करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव साइड कंट्रोल देखिए। पॉजिटिव, मेरे पास ये एक स्विच है, ये बिल्कुल सिंपल सा स्विच है जिसके दो टर्मिनल हैं। अगर मैं इसका एक बैटरी का एक टर्मिनल, ये मेरे पास बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल स्विच से कनेक्ट करूं और एक एलईडी जो कि इसी वोल्टेज का है जितने की वोल्टेज की बैटरी है, 3.7 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास और 3.7 वोल्ट का एलईडी है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँ और इसका नेगेटिव साइड जो है एलईडी का वो सीधा बैटरी के नेगेटिव पे ले जाऊँ और स्विच देखिए पॉजिटिव के रास्ते में आ रहा है, तो उस लाइट जो है वो मेरी इस तरह से रोशन हो जाती है। ये देखिए, ये और ये, ये और ये, ये कहलाता है पॉजिटिव साइड कंट्रोल, क्योंकि मैंने पावर साइड कंट्रोल, क्योंकि मैंने पॉजिटिव या पावर की साइड पे इस स्विच को लगाया हुआ है। अब अगर मैं इस स्विच को यहाँ से उतार देता हूँ, एलईडी को डायरेक्ट यहाँ पे लगाता हूँ, तो एलईडी तो रोशन हो गई है क्योंकि इसमें स्विच नहीं लगा, लेकिन इस स्विच को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखिए नेगेटिव साइड पे मैं स्विच को लगाता हूँ और इसका एलईडी का जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ,
एलईडी को मैंने यहाँ नेगेटिव साइड पे कनेक्ट किया है। अब देखिए, अब भी सेम लाइट ऑन और ऑफ हो रही है, लेकिन ये नेगेटिव साइड पे कनेक्टेड है। ये देखिए, ये एलईडी का ग्रीन वायर जो है ये बैटरी के नेगेटिव पे स्विच के थ्रू जा रहा है। ये नेगेटिव साइड कंट्रोल कहलाता है, और वो दूसरा जो पहले मैंने डिस्कस किया, पहले जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया, वो पॉजिटिव साइड कंट्रोल कहलाता है। ये नेगेटिव साइड की बड़ी अहमियत है। ये आपको नेगेटिव साइड कंट्रोल अक्सर सर्किट्स में मिलता है। कहाँ मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, नेगेटिव साइड क्यों करते हैं? नेगेटिव साइड करने की एक वजह है, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो तो उसमें आपके पास होते हैं ट्रांजिस्टर, इस तरह का सिंबल होता है NPN ट्रांजिस्टर का। ये वाली साइड इमीटर कहलाती है, ये ग्राउंड होती है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, और बेस के ऊपर सिग्नल दिया जाता है थ्रू रेजिस्टर। इसके ऊपर अगर सिग्नल प्रोवाइड किया जाए तो फिर ये यहाँ पे एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है, यहाँ ये पॉइंट ग्राउंड प्रोवाइड करता है इस तरीके से। देखिए किस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपने बल्ब या LED, चलें बल्ब की बजाय LED का सिंबल बना देते हैं ताकि दोस्तों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस तरह से, तो ये क्या होता है कि ये पॉजिटिव साइड होता है, पॉजिटिव साइड से पावर आती है, LED से गुजरती है, उसके बाद ये ट्रांजिस्टर से ऐसे गुजरती है। जब ये यहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ऑन का मतलब ये यहाँ पे एक शॉर्ट पैदा करता है, यानी ये यहाँ शॉर्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये पावर यूँ गुजरती है और ग्राउंड में चली जाती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव LED को मिल गया और LED रोशन हो गया। ये मैं ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिस्टर सेम आप इस स्विच को समझें, ट्रांजिस्टर आप स्विच को समझें, जिस वक्त ये ऑफ होता है तो ये ट्रांजिस्टर ओपन होता है, जिस वक्त ये ऑन होता है, जब इसके बेस के ऊपर सिग्नल दिया जाता है तो उस वक्त ये ऑन हो जाता है, और यहाँ पे जैसे इसके दो टर्मिनल शॉर्ट होते हैं इस तरह ये यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है इस तरह से। ठीक हो गया जी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपने इंटरफेसिंग का उसूल सीख लिया कि NPN ट्रांजिस्टर को कैसे इंटरफेस करते हैं। ये सिंकिंग कहलाता है। सिंकिंग में ये होता है कि पावर यहाँ से आती है, किसी लोड में से गुजरती है, लोड में से गुजर के कलेक्टर पे आती है और इमीटर पे ग्राउंड हो जाती है। ये कहलाता है सिंकिंग। सिंकिंग, ये सिंकिंग का कंसेप्ट है। सिंकिंग आपको PLC में भी मिलता है, और एक होता है सोर्सिंग, इसका अपोजिट जो है वो होता है सोर्सिंग। ये लिखा हुआ है सोर्सिंग, ये सोर्सिंग है। सोर्सिंग में क्या होता है कि वो पॉजिटिव साइड कंट्रोल होता है और सिंकिंग नेगेटिव साइड कंट्रोल होता है। यहाँ से पावर गुजरती है और इसमें नेगेटिव में ग्राउंड हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ पे होता है? ये इस तरह के सर्किट्स में जहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये बड़ा ट्रांजिस्टर है, इस तरह के छोटे ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इस बजर को ड्राइव करने के लिए ये छोटा ट्रांजिस्टर लगाया गया है। ये देख लीजिए, ये ट्रांजिस्टर आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा ट्रांजिस्टर है जो कि यहाँ पे लगाया गया है। ऐसे ट्रांजिस्टर ऐसे लोड्स को ड्राइव करते हैं। ये IC डायरेक्ट ड्राइव नहीं करता, बल्कि ये ट्रांजिस्टर के थ्रू ड्राइव करता है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ज़रूरी है, नेगेटिव साइड कंट्रोल, ग्राउंड साइड कंट्रोल और पॉजिटिव साइड कंट्रोल या पावर साइड कंट्रोल, ये जहन में रखिए। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर आप इस तरह के बहुत ही कम्प्लेक्स सर्किट, ये टोयोटा का सर्किट है, आगे डिस्कस होगा, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे टोयोटा के फैंस का कंट्रोल सर्किट। देखिए कितना पेचीदा सर्किट आपको नज़र आता है, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट पता लग गए, ये कंसेप्ट आपको पता लग गया तो फिर इसको भी समझना आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा देखेंगे और इसमें से कॉन्सेप्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या है। बच्चों की गेम आपको नज़र आएगी, ये लाइट ऑन करना, ऑफ़ करना, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी थ्योरी है। आप प्लीज़ खुदारा इसको सीखिए। अगर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा और आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको नहीं समझते तो फिर ये नॉलेज आपके ऊपर से गुजरेगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगा। सॉरी टू से, मैं उन दोस्तों को कहता हूं कि जो वीडियो को स्किप कर जाते हैं, देखते नहीं हैं, या उनके जहन में कुछ और चल रहा होता है, या नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनके लिए बराए करम मैं जो नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये बहुत कम आपको मिलेगा। ये सिर्फ आपको गोरों के चैनल के ऊपर शायद आपको मिल जाए, क्योंकि वहाँ बड़े अच्छे इंजीनियर्स मौजूद हैं, वरना जो हमारे लोकल हैं उनके पास इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं है। सॉरी टू से, मैं सॉरी करता हूँ सबको, ठीक है। और इस वीडियो को देखते रहिए और इनसे कॉन्सेप्ट लीजिए, और आगे इस तरह के पेचीदा सर्किट जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं वो आएंगे, और हम इनको सबको बारी बारी, एक एक फंक्शन, गाड़ी का एक एक फंक्शन यहाँ इन सर्किट्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा, पूरी डिटेल के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। ऐसे दोस्त जो कि गाड़ियों का काम कर रहे हैं, या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या किसी तरह से भी इलेक्ट्रिकल से मुंसलिक हैं, ये नॉलेज उनके बहुत काम आने वाला है, और ये नॉलेज उनको बहुत कुछ सिखाएगा। तो बराए करम इन वीडियोज़ को देखते रहिए,
इनको स्किप मत कीजिए, पूरी तरह से देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया।